फेसबुक पर युवती से दोस्ती होती है। युवती को बहला फुसलाकर युवक अपने साथ ले आता है। युवती अपने घर जाने की जिद करती है। सिरफिरा आशिक पुलिस की पिस्टल छीनकर खुद में गोली मार लेता है। मामला आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से ऐसी खबर आई जिसने हड़कंप मचा दिया। दरअसल हिमांशु नाम का युवक बिहार का रहने वाला है। हिमांशु अपने साथ एक युवती को लेकर आया था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे, युवती के पिता का फोन इसी बीच युवती के पास आ जाता है। युवती घर जाना चाहती थी लेकिन हिमांशु वापस नहीं जाने दे रहा था। हिमांशु ने युवती को धमकाया, यदि वो गई तो खुद में गोली मार लेगा और उसमें भी गोली मार देगा। अचानक हिमांशु जीआरपी के एक जवान की पिस्टल को छीनता है और खुद में गोली मार लेता है। देखिए, कल एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक लड़का हिमांशु है जो बिहार का रहने वाला है, जिससे फेसबुक के माध्यम से इसकी दोस्ती हुई थी। उसके द्वारा इस महिला को बहला फुसला करके ज़बरदस्ती ट्रेन में बैठा करके शादी करने के इरादे से वो इसको लेकर के जा रहा था। इसी दौरान महिला के पिताजी का फ़ोन जो है वो महिला को आया था, जिससे महिला के द्वारा आगरा फोर्ट पे ट्रेन से उतर गई थी और लड़के को बार बार बोल रही थी कि मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। लेकिन लड़के के द्वारा महिला के ऊपर लगातार दबाव जो है वो बनाया जा रहा था कि यदि तुम अपने घर जाती हो तो मैं तुमको भी गोली मार दूंगा, तुम्हारे पिताजी को भी गोली मार दूंगा और तुम्हारी कहीं शादी यदि तुम्हारे पिताजी करते हैं तो उसको भी मैं गोली मार दूंगा और खुद भी सुसाइड कर लूंगा। घायल हिमांशु को SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। जीआरपी ने हिमांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सियालदह ट्रेन में जो जीआरपी का स्क्वाड जा रहा था तो हमारे जो हेड कांस्टेबल थे उससे इस हिमांशु ने उनका पिस्टल जो है छीन करके 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागा था और वहीं पे अपने आप को सीने में गोली मार लिया था। तत्काल जैसे ही इसकी सूचना मिली थी तो इस हिमांशु को SN मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था और उसका प्रॉपर इलाज की व्यवस्था जो है वो की गई थी। अभी उसकी हालात जो है वो ठीक है, खतरे से बाहर है। और इस पूरे प्रकरण में जो हमारा हेड कांस्टेबल है उसके तरफ से एक तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर 392 का मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। साथ ही इससे दोनों जो मामले पंजीकृत किए गए हैं उसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। गनीमत ये रही, हिमांशु ने किसी और को गोली नहीं मारी, उसकी भी जान बच गई। फेसबुक पर युवती के साथ दोस्ती हुई थी, भला फुसलाकर हिमांशु युवती को अपने साथ लेकर आ गया था, लेकिन युवती पछताने लगी और घर वापस जाना चाहती थी। हिमांशु की फेसबुक पर युवती से दोस्ती होती है, भैला फुसलाकर हिमांशु युवती को अपने साथ ले आता है। इसी बीच युवती के पिताजी का फोन आता है और युवती वापस अपने घर जाना चाहती है, लेकिन हिमांशु ज़बरदस्ती करता है और घर पर जाने नहीं देता है। हिमांशु पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनता है और खुद में गोली मार लेता है। आनंद फानंद में आगरा फोर्ट GRP SN मेडिकल कॉलेज में हिमांशु को भर्ती कराती है। हिमांशु की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आमतौर पर फेसबुक पर होने वाली दोस्ती का यही अंजाम होता है। युवती हिमांशु के साथ आने पर पछता रही थी और अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन हिमांशु गोली मारने की धमकी देकर उसे जाने नहीं दे रहा था। इसकी शिकायत युवती ने आगरा फोर्ट GRP से भी की थी। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।